अगर ये कहते हैं अगर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो जिंदगी भर आप जवान बने रहेंगे, जो जितना हंसेगा उतना ही ज्यादा जवान रहेगा। अब हम बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे कुंभ में आए, इनका क्या अनुभव है, क्या कुछ एक्सपीरियंस किए बच्चे लोग, कैसा लग रहा है? और बच्चों से बात कराइए। बहुत मजा आ रहा है, गंगा जी में नहाने में तो और ही मजा आ गया। ठंडी नहीं लगी है? और किसी को बहुत मजा आई, स्पेशली बोटिंग में। क्या करती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th पास आउट। आगे क्या सपना है? ग्रेजुएशन कर रही हूं। तो ये बताओ कि रामायण भगवत गीता के बारे में नाम सुना है? हाँ। रामायण के लेखक कौन थे? ताली बजाओ, ताली। हाय दी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? भदोही से। अकेले आई कि भाग के आई हैं? अकेले आई। अकेले आई हैं? मतलब भाग अकेले। फंस गई। फैमिली के साथ आए हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको उलझा रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है। हम भी कंफ्यूज हो गए ना। ओह ठीक है, तो आप ये बताइए कि कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा। देखो हमारा क्या है, तीर्थस्थल मंदिर बहुत साफ नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो आप बहुत साफ सफाई दिखाई दिया ना। तो आप यहाँ से क्या सीख के जा रही हैं? यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं कि यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ की जो सुविधाएं फैसिलिटी है, बहुत अच्छा लगा हमको। और मोदी जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं रखी। और योगी जी को भूल रही हो? नहीं, योगी जी भी इसमें भागीदारी है। महाराज जी कुंभ बहुत अच्छा है, इसके लिए योगी जी और मोदी जी को बधाई देता हूँ। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ भी है, गड़बड़ियाँ है अधिकारियों की तरफ से जी। जो यहाँ व्यवस्थापक है वो जो है यहाँ पर इतना इतना पैसा आया, जिस हिसाब से पैसा आया उस हिसाब से साधु संत महात्माओं को व्यवस्था नहीं दी गई। जो व्यवस्था पहले दी जाती थी वही व्यवस्था मिली है। अधिकारी सब बढ़िया, उसमें शीशा का महल बना करके बैठे हुए हैं और कितने लोगों को जगह नहीं मिली, लोग बेचारे परेशान हैं। ये बात आपकी सरकार के कानों तक पहुँचेगी, विश्वास है। और यूं ही हम लाइव बने रहेंगे।